अगली खबर भोपाल से ये मिल रही है, जहां मध्य प्रदेश का हर सरकारी स्कूल सर्वश्रेष्ठ बनेगा। ये बड़ी बात और ये बड़े निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। मार्गदर्शन के लिए शिक्षाविदों की समिति बनाई जाएगी, हर सरकारी स्कूल सर्वश्रेष्ठ बनेगा। 1 से 8वीं कक्षा तक के स्कूल 31 मार्च तक बंद रहेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर 1 से 8वीं तक का मूल्यांकन किया जाएगा और 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू होगा। ज्यादा जानकारी के लिए वैभव जी का रुख करते हैं। वैभव जी, मध्य प्रदेश का हर सरकारी स्कूल सर्वश्रेष्ठ बनेगा, ये बड़ी बात निकल कर आ रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर क्या है और सरकारी स्कूलों का खास तौर पर, इससे आप और हम बहुत अच्छे से वाकिफ है। प्लान क्या है सरकार का, कैसे सर्वश्रेष्ठ बनाया जाएगा सरकारी स्कूलों को? जय मध्य प्रदेश का हर सरकारी स्कूल सर्वश्रेष्ठ बने, ये सपना देखा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और अपने सपने को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिन रात काम भी कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षाविदों की एक समिति बनाई जाए, जो दूसरे राज्यों की शिक्षा नीति है उसका अध्ययन करे, उस अध्ययन के बाद मध्य प्रदेश की शिक्षा नीति में कहाँ कमियाँ हैं, क्यों मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल बेहतर नहीं हो पा रहे हैं। हम दिल्ली की बात करते हैं, केजरीवाल सरकार की बात करते हैं कि वहाँ के सरकारी स्कूल कितने बेहतर होते जा रहे हैं, स्मार्ट क्लासेस उन सरकारी स्कूलों में लग रही हैं, कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल से बेहतर सरकारी स्कूल दिल्ली में काम कर रहे हैं, और वहाँ के जो अभिभावक हैं वो भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने में प्राथमिकता दे रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश की सरकारी स्कूल सर्वश्रेष्ठ होने चाहिए, मध्य प्रदेश की स्कूल शिक्षा नीति सर्वश्रेष्ठ हो, इसके लिए शिक्षाविदों के मार्गदर्शन के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जो जल्द ही दूसरे राज्यों की शिक्षा नीति और जो सरकारी स्कूलों में सुविधाएं मिलती हैं उसका अध्ययन भी करेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक में कहा कि जो शिक्षक बेहतर काम कर रहे हैं, क्योंकि हर साल परीक्षाएं होती हैं, रिजल्ट आता है, अगर रिजल्ट में बच्चे अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं तो ऐसे शिक्षकों का तबादला ना किया जाए बल्कि उनको मानदेय दिया जाए, और ऐसे शिक्षकों को आगे भी बढ़ाया जाए, और जो उनकी ज़रूरतें होती हैं उन ज़रूरतों को समय रहते पूरा किया जाए। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो शिक्षक बेहतर काम कर रहे हैं उनके तबादले ना किया जाए, इसके साथ ही दूसरे राज्यों के सरकारी स्कूलों पर एक रिपोर्ट बनाई जाए जहाँ के सरकारी स्कूल अच्छे हैं, और उन रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश की शिक्षा नीति में मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कहाँ कमी है, कहाँ चूक रह गई है, उन सबको भी दूर किया जाए। बिल्कुल, तो प्लान सरकार का है और ये निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। ये सपना उन्होंने संजोया है कि मध्य प्रदेश का हर सरकारी स्कूल सर्वश्रेष्ठ हो, मध्य प्रदेश के हर बच्चे की शिक्षा बेहतर हो, उनका भविष्य बेहतर हो, और इसी दिशा में सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है।